हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, लेट्स डू टुगेदर। तो आज मैं आपको यहाँ पे अपना SBI क्लर्क का जो मैं एग्ज़ाम देके आया हूँ उसका रिव्यू दूंगा, एग्जाम एनालिसिस दूंगा और बताऊंगा मैंने कितने अटैम्प्ट करे हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे टेक्स्ट बुक की बात कर लीजिए, तो यहाँ पे हैप्पी आवर सेल चल रहा है इनका और 449 रुपीज़ में आपको टेक्स्ट बुक का प्रो पास मिल जाएगा 6 मंथ के लिए। और मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना, ANUJ अनुज, कैश में रहेगा सब कुछ, तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करोगे डायरेक्ट बाय नाउ पे आ जाएगा आपका। हम लोग यहाँ पे रिव्यू स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अनुज, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, लेट्स डू टुगेदर। तो आज मैं अभी यहाँ पे SBI क्लर्क का प्री का एग्जाम देके आया हूँ, जस्ट अभी घर पे पहुंचा हूँ। और मेरा एग्जाम का शिफ्ट था, सेकंड शिफ्ट था और टाइमिंग था 10 बजे, 10:30 बजे, मैं 10 बजे ही पहुंच गया था। 5 जैन 2024 को मेरा एग्जाम था। टोटल कितने अटेम्प्ट करें, इंग्लिश में कितने करें, मैथ में कितने करें, रीजनिंग में कितने, सबकी बात करी जाएगी यहाँ पे। सबसे पहले सिक्वेंस पे आते हैं, जैसा कि मैंने बोला था हर बार, देखो मुझे कोई कहना मत कि आपने तो बोला था पहले रीजनिंग आएगा, वो मैंने बोला था कि हाँ भाई देखो हो भी सकता है, लेकिन एग्जाम से पहले जो होता है ना वो इंस्ट्रक्शन लिख के आते हैं। इंस्ट्रक्शन में जो चीज लिखी होती है, जैसे इंग्लिश पहले लिखी है, मैथ पहले लिखी है, रीजनिंग पहले लिखी है, तो वही चीज एग्जाम में भी आएगी। 8 मिनट का आपको टाइम मिलता है, ठीक है। तो मैंने वहीं पर देख लिया था, इंग्लिश पहले लिखा था, मैथ्स बाद में और रीजनिंग सबसे लास्ट में लिखा था, तो वही सिक्वेंस आने वाला है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश मैं बता रहा हूँ कैसा आ रहा है, हर शिफ्ट का मैंने फर्स्ट शिफ्ट का भी रिव्यू देख लिया था, तो इंग्लिश ऐसा आ रहा है कि RC जो आ रही है ना, उसके जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं है ना, जो लैंग्वेज लिखी है आपको पकड़नी पड़ेगी। ऐसा एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी करके नहीं दिया है और लेंथ वाइज है, मतलब लेंथ वाले हैं, सिंगल वर्ड वाले नहीं आ रहे हैं, आरसी सिंगल वर्ड वाले नहीं आ रही है। एक सेंटेंस था उसका, इतना छोटा सा सेंटेंस था, उसका मतलब पूछा था कि क्या होगा, क्या हो सकता है, तो कंटिन्यूसली मैंने वहां करके आया हूँ। जितना मुझे आंसर पता चल रहा है मैं उतना बता रहा हूँ। बॉन्ड का शायद अपोजिट वर्ड पूछा था, तो उसका उसका फ्री होगा, फ्री मतलब जो भी उसमें फ्री के आसपास होगा, सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स पूछा था, अपोजिट वर्ड पूछा था, तो वो होगा क्योंकि बाउंड के रिस्ट्रिक्टिव कुछ था ऐसा, है ना, बाउंड के लिए ही पूछा गया था, इतना मुझे पता है। एक लाइज के लिए था, लाइज है ना, तो उसके लिए रिमेन मैंने मार्क करके आया हूँ। लाइज मतलब इसी चीज पे रहना, लाय करना, रिमेन है ना, चेंज नहीं होना। एरर हो, एरर थे एरर, तो मैं तीन एरर करके आया हूँ। फिलप्स आए थे, फिलप्स में एक मुझे ग्रो याद आ रहा है, वो मैंने कर रहा था। फिलप्स काफी कंफ्यूजिंग थे, फिलप्स थे, मतलब ऑप्शन आपको सब इजी इजी लगेंगे, लेकिन आप कहोगे ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अप्रोप्रिएट वर्ड आपको देखना पड़ेगा वहां से, है ना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट था इसमें, एक में मैंने नन ऑफ मतलब नो इंप्रूवमेंट मार्क करके आया हूँ किसी में। और रीअरेंजमेंट थे, इजी वाले रीअरेंजमेंट थे, मतलब जो आपका सेंटेंस पूरा सेंटेंस आता है वो ऐसा नहीं, एक क्वेश्चन में 4-5 सेंटेंस होते हैं, उसको आपको रीअरेंज करना होता है, बहुत इजी रीअरेंजमेंट था ये, है ना। और मैंने इंग्लिश में बात करी जाए तो कितना मैंने अटेम्प्ट करा है, बहुत सोच समझ के मैंने सिर्फ 24 अटेम्प्ट करा है, और मैं चाहता हूँ कि 20, अगर 20 मार्क्स आ जाएंगे तब तक तो फिर निकल जाएगा, लेकिन ये आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि इनका जो रिजल्ट होता है उसमें पूरी कट ऑफ नहीं, मतलब सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं आती है, एक अगेली कट ऑफ आती है, क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, लेकिन मैं तो फिर भी 24 करके आया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आते हैं मैथ में। मैथ देखो डुएबल है ना, करने लायक है, लेकिन जिसकी स्पीड तेज होगी वही कर पाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कठिन नहीं आ रही है मैथ, है ना। लेकिन भैया अगर स्पीड आपकी तेज नहीं है तो आप उसी में लगे रहोगे। अर्थमेटिक था, एक DI थी सिर्फ, लाइन ग्राफ की DI थी, जिसमें ऐसे 100 दे रखा था और 200 दे रखा था, उसके बीच का गैप ऐसे करके था, है ना, मतलब 104, 108, 12, 16, फिर 200, ऐसे करके गैप दे रखे थे, तो काफी निकालने में थोड़ी मतलब डिफिकल्टी हो रही थी। मैंने लास्ट के 5 मिनट इसको DI को कराओ, लास्ट में DI करी थी। अर्थमेटिक मुझे इजी लग रही थी, कंपेयर तो करूंगा नहीं मैं DI, क्योंकि मैंने एक ही DI करी है और एक ही DI आई थी, DI मैंने पहले करी होती तो मुझे लगता है अर्थमेटिक के 3-4 क्वेश्चन छूट जाते हैं उससे, लेकिन मैंने अर्थमेटिक पहले कर ली थी। कुछ अर्थमेटिक के 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, एक तो आंसर ही नहीं आता यार, पता नहीं, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, कमेंट करना, जिसका ऑप्शन था 700 था, 1000 था, 1200 था, शायद 1700 था, है ना। और इसमें बोल रखा था ए और बी दो स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, एक का 24%, एक का कितना था, 24 56 बन रहा था जोड़ के ना, तो इधर 2 होगा 32, है ना, 56 बन रहा था मेरा, हाँ ये ए का मतलब इसमें कुछ वो होंगे कि 6 और 4 साल के लिए 6% पे, इसमें 8 साल के लिए 4 साल के लिए 8% पे, ऐसा कुछ था, है ना। तो आपको बताना था कि इक्वल अमाउंट इन लोगों ने इन्वेस्ट करा है, तो आपको बताना था कि इसमें से कौन सा बी का इन्वेस्टमेंट है। तो इक्वल अमाउंट था, तो मुझे लग रहा था कि यार मेरे हिसाब से तो 800 आंसर आना चाहिए था, 800 मेरा आंसर इसमें था नहीं, ना 1600 था, तो 800 मेरा आंसर आना चाहिए था मेरा हिसाब से, है ना। 56 की कोई वैल्यू दे रखी थी, 56 की कोई वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पे इंटरेस्ट दे रखा था, इन दोनों का मिला के इंटरेस्ट दे रखा था, वो मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। इसमें करीबन करीब मेरा 1 मिनट लगा होगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया ये क्वेश्चन, एक मैंने एज वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है।
और बाकी ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन करे। सिंप्लीकेशन बहुत सारे सिंप्लीकेशन थे इसमें, मिसिंग नंबर सीरीज थी, इजी मिसिंग नंबर सीरीज थी, कोई मतलब ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती इजी। एक में तो प्राइम नंबर था ना, 47, 43, 47, 47 प्राइम नंबर होता ना, 43, 31 था है ना, उसके बाद क्या होता है, उससे पहले कुछ आता है क्या, 37, 37 आता है ना, 41 आता है, तो 37 हमको कुछ इसी से कुछ करना था है ना। तो मिसिंग नंबर सीरीज ऐसी थी, ज्यादा डिफिकल्ट वाली नहीं थी है ना। फिर आते हैं हम लोग रीजनिंग पे, जो मैं आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि वो ही मैं इसमें मैथ में आपको बताया नहीं, अटेम्प्ट मैंने कितने करे थे, मैथ में अटेम्प्ट करे हैं 29 अटेम्प्ट करे हैं मैंने, और अटेम्प्ट हो सकते थे, मैं भी बोल रहा हूँ, अगर आपकी स्पीड तेज होगी तो आप मैथ में और अटेम्प्ट कर पाओगे। आईपीएस जैसी हार्ड मैथ नहीं आई, क्योंकि आईपीएस मुझे लगा, मुझे पता है कि कलर की जो मैथ आई थी वो थोड़ी सी मॉडरेट लेवल आई थी, लेकिन इसकी तो ईजी ही लगी थी मेरे से। फिर आते हैं हम लोग रीजनिंग के, रीजनिंग में तो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले आया ब्लड रिलेशन, सबसे बेकार ब्लड रिलेशन था ये आज तक का, और इसमें मैंने एक मिनट वेस्ट भी करा, मतलब 19.5 सेकंड बचे थे तब मैंने इसको स्किप करा था। मैंने वही बोलता हूँ, स्किप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही बोलता हूँ कि लाइन से मत करा करो है ना, क्योंकि पहला क्वेश्चन ऐसा दे देंगे कि आपको डिमोटिवेट कर देगा। मुझसे ये पजल नहीं बनी थी, पजल कह रहा हूँ, ये जो ब्लड रिलेशन है वो नहीं बना था, आप खुद ही देख सकते हो, सबके पेरेंट्स हैं है ना, सबके पेरेंट्स हैं, इसका तो एली पेरेंट्स है, एक्स नहीं है, एक्स बोल रखा था किसी में, इसके भी पेरेंट्स हैं, और बोल नहीं रखा है ना, आप मतलब बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो पेरेंट्स को कनेक्ट करते हैं ना, एक टाइप से पेरेंट्स को कनेक्ट करते हैं, पेरेंट्स कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे। मैं बताता हूँ कैसे बोल रखा था, आप चाहो तो नोट डाउन कर लेना, उसके बाद बनाने का ट्राई करना। एम और जे सिबलिंग है, जे एम और जे सिबलिंग है इतना बोला, या फिर एम सिस्टर बोल रखा था, एम सिस्टर है जे की, ठीक है। फिर दूसरा बोल रखा था जो एम का हस्बैंड है, उसका जो फादर है वो एल है, ठीक, चलो ठीक है, यहां तक भी ठीक है। एल के दो बच्चे हैं, टी और डी, अब ये नहीं पता ये किससे मैरिड है, ये भी नहीं पता। टी की मदर इन लॉ, टी की मदर इन लॉ के है, तो आप क्या समझोगे, टी की मदर इन लॉ के है तो मतलब डी इधर बना बैठाओ और के इधर बैठा दो है ना, यही तो समझोगे। मैंने तीन पॉसिबिलिटी में बना मेरा, मैं बता रहा हूँ ये भी एक मेरी पॉसिबिलिटी थी, ठीक, फिट बन रहा है। अगली लाइन आती है के जो है, के की एक लौती डॉटर है यू, एक लौती डॉटर कैसे है, यहाँ पे तो एम पहले एक महिला है और ये भी महिला हो जाएगी, तो के तो यहाँ पे डॉटर आएगी नहीं, तो ये फिर कैसे बनेगा सिस्टम, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर दिमाग लगाया, टी इधर हो सकता है, डी इधर हो सकता है, या फिर यू इधर होगा तो के इधर आ जाएगा माइनस का, अब बन रहा है। फिर आया कि यू का जो नेफ्यू है वो जी है, ठीक है, और फिर जी का ग्रैंड फादर है आर, अब ग्रैंड फादर आर मैं बार बार आर यहां बैठा रहा था, और फिर आर का और एम का रिलेशन पूछ रखा था पहले क्वेश्चन में, मैं बता ही नहीं पा रहा था, जबकि आर फादर ने बोल रखा था, फादर ने तो पहले से है यहाँ पे, वो ग्रैंड फादर बोल रखा, ग्रैंड फादर तो एल है पहले से, आर ग्रैंड फादर यहां होके बनेगा, तब जाके बन रहा था मेरा क्वेश्चन। और इसका आंसर बता देता हूँ, फादर है पहला, पहला मेरा जो मेरे हिसाब से था, मेरा फादर था, एक में मदर था, फिर मदर इन लॉ था, ठीक, ये रिलेशन पूछा था, आर और एम का पूछा था, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता मेरा, ठीक, ये था, ये सबसे लास्ट में करा है मैंने, ये रीजनिंग पूरा करने के बाद भी मेरे पास पूरा एक डेढ़ मिनट बचा था मेरे पास है ना, इतना मेरे पास मिनट बचा था। फिर आता है स्लॉक्स और इनक्वालिटी, आती इनक्वालिटी तो मैंने स्क्रीन पे सॉल्व कर दी थी, एक इधर और कुछ आ रहा था ऐसे करके था शायद है ना, तो इसमें इधर और बन रहा था। सिलॉक्स आपके सामने है, आप मैच कर सकते हो, ये पहला सिलॉक्स, ये दूसरा और ये तीसरा सिलॉक्स है ना, ये रहे आंसर इसके, मैच कर लेना, ठीक, तीन ही सिलॉक्स आए थे। फिर आते हैं पजल पे, पजल भी ये भी काफी ट्रिकी पजल थी, इसकी भी दो पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि मैंने पहले यही पॉसिबिलिटी बनाई थी, क्योंकि आप यही बना सकते हो, ए तीन छोड़ के बी बैठा है, बी दो छोड़ के सी बैठा, लेकिन सी ऊपर बैठा है, ठीक है, सी और डी, डी से जितना दूर ई है उतना ही दूर एफ है, और एफ ऊपर बैठा है ई के, ऐसे बोल रखा था, मतलब ये पॉसिबिलिटी बननी चाहिए थी, मतलब ये स्टेटमेंट बननी चाहिए थी ये लिए ना। अब आप अगर बैठाओगे तो मेरा इसमें बैठ रहा था है ना, सही से बैठ रहा था और सब कुछ बैठ गया था, तब तो डी सी को एक छोड़कर डी बैठा है ना, ये कंडीशन थी, सी को एक छोड़कर डी बैठा है, इसमें बन रहा था, लेकिन मैंने देखा एफ तो सबसे ऊपर आएगा, एफ सबसे नीचे है इसमें, फिर मैंने ये वाली कंडीशन बनाई, तब जाके बनी थी। इसमें भी काफी मतलब एक से डेढ़ मिनट दो मिनट लग गया था ये पजल बनाने में, ठीक है। और इसका एक क्वेश्चन था जिसमें आपको बताना था कि नॉट ट्रू कौन सा है ना, नॉट ट्रू था या फिर ट्रू था ऐसे बताना था, जिसके ऊपर के दो गलत थे, नीचे वाला सिर्फ लास्ट वाला ऑप्शन हमारा थर्ड, ओनली थर्ड वाला ऑप्शन राइट था। एक ये पजल थी, एक अनसर्टेन पजल थी जिसमें 19 मेंबर आ रहे थे, ये भी दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, आराम से बन रही थी, ये आराम से बन रही थी। एक ये पजल थी जिसमें 8-8 लोग बैठे हैं, ये पॉसिबिलिटी है, ये मेरी गलत है, ये पॉसिबिलिटी मेरी सही है, ठीक। एक ये पजल आई थी जिसमें 8 लोग बैठे हैं, सब लोग नॉर्थ देख रहे हैं, उसको बैठाना था, इसमें दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, ये भी बन गई थी मेरी, सी और डी के बीच में एक से ज्यादा लोग बैठे हैं, एक से ज्यादा लोग बैठे हैं,
ई और एच के बीच में एक लोग बैठा है, यहाँ पे बैठा है, जो मुझे कंडीशन याद है उतना तो मैं बताते जा रहा हूँ आपको, है ना। एक ये था फिर वर्ड्स में, जिसमें आपको देखना पड़ता है कि कितने फॉरवर्ड और बैकवर्ड में काउंट करना पड़ता है। इसमें मेरा ओनली टू आंसर आ रहा है, आप लोग देख लेना आपका क्या आंसर आ रहा है। फ्लोट था या फिर इसका मतलब जो वर्ड था, या मुझे याद नहीं आ रहा, फ्लोट था या फिर कुछ था, है ना। एफ बना लो ना, FLOATED, ऐसे था, पता नहीं है, कुछ तो था, है ना। अब मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। फिर एक एक वर्ड बना था फ्लैट, फ्लैट में सिर्फ एल, थर्ड इधर से थर्ड ढूंढना था आपको, थर्ड लेटर राइट हैंड से, तो मेरा एल बन रहा था। इसमें मुझे कंफ्यूज हो रहा था, लास्ट में मेरा 1 मिनट इसमें वेस्ट चला गया, क्योंकि मैं चाहता था कि ये मैं अटेम्प्ट ना करूं, तभी मेरे 34 अटेम्प्ट होते थे, लेकिन मैं 35 अटेम्प्ट करके आया हूँ पूरा पूरा, ठीक है। तो रीजनिंग में मैंने 35 अटेम्प्ट करे हैं, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया रीजनिंग में ऑलमोस्ट सारा, मैथ में 29 और इसमें 24, तो टोटल मेरा अटेम्प्ट कितना होता है यहाँ पे, 9 9 18, 8 11 और 88 अटेम्प्ट होता है मेरा। अब देखते हैं इस हिसाब से कितनी कट ऑफ जाती है। मेरे हिसाब से तो 70 की लाइन में कट ऑफ होनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी तो इस बार ज्यादा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है ना। तो ये रहा मेरा एग्जाम रिव्यू। आपने कितने कितने अटेम्प्ट करे हैं बता देना, और एक बार कंफर्म करा देना। देखो इंग्लिश का कंफर्म मत कराना, क्योंकि इंग्लिश का पूछना भी मत, क्योंकि मैं अपने हिसाब से मैं कॉन्फिडेंटली करके आया हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ। अर्थमेटिक का बता सकते हो और रीजनिंग आप बता सकते हो, रीजनिंग का डिस्कशन कर सकते हो, उसका बता सकते हो कि मैंने जो चीज बताई है वो सही है कि गलत है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।